सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा तो शायद भूल रही है कि सचिन मेरा भी पोता है। सच्चू सिर्फ मेरा और मेरा ही पोता है और किसी का कुछ नहीं लगता। और तुम कैसे बोल सकते हो तुम उसके दादा हो? इतना ही है तो श्रावणी जब उस सच्चू को लेके जा रही थी तभी उसको रुकाने की कोशिश की तुमने? नहीं, मैंने सचिन को रोका नहीं, क्योंकि मैं एक माँ से अपना बच्चा छीनना नहीं चाहता था। यही तुम्हारी बात मुझे पसंद नहीं है। हा? मुझे सच्चू से तोड़ना चाहते हो? हा? मुझे तुम्हारा बहुत डर लगता है। तुम भी मेरा सच्चू मुझसे छीनने वाले हो और इसीलिए बताती हूँ कि सच्चू सिर्फ मेरा और मेरा ही पोता है। होश की दवा ले सविता। हाँ। और आंखें खोल के अपनी तरफ देख, बुढ़ी हो गई है तू। हाँ। हाँ, अरे हमारी उम्र अब जवाब देने लगी है। कभी भी ऊपर वाले का बुलावा आ सकता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो गया तो सचिन का क्या होगा, जरा सोच। तुम्हारे बेटों की बातें मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। अरे अब भी समय नहीं गया सविता, सचिन के लिए सही मानव और अर्चना को वापस बुला ले। उनका नाम मत लेना, उनका नाम मत लेना। वो डायन के हाथ में मैं मेरे सच्चू को कभी नहीं दूंगी। सच्चू सिर्फ मेरा रहेगा और मैं नहीं चाहती वो डायन की साया मेरे सच्चू पर गिरे। ध्यान में रखना। एक मानव सब मामला फिट है, बस तुम लोगों को फेरे लेने हो गया। अरे यार, लेकिन इतना कुछ? अरे यार, शादी हो रही है, कोई मजाक है क्या? देख बिड़ू, माना कि हम गलत आदमी हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन शादी की अहमियत हम भी जानते हैं, इसलिए जो भी करेंगे रीत के मुताबिक ही करेंगे। ये देखो लीना मौसी और ललन ताई। मौसी सब तैयारी होगी है ना? ठीक है फिर। पंडित जी, अच्छे से शादी करवाना। जी जी, चलो बैठो, पर बैठने से पहले माँ का आशीर्वाद ले लो। चलो चलो जल्दी करो। अरे इस विधि की शुरुआत करनी है, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे तो शुरू करो ना पंडित जी, हमारे भैया और भाभी तो कब से उतावले हो रहे हैं शादी के लिए। क्यों मानव? क्या हुआ धर्मेश? पता नहीं रवि कहाँ रह गया। आधे घंटे में आने को कह गया था, एक घंटा होने वाला है, अभी तक इसका कुछ पता नहीं। आ जाएंगे, तुम भी ना। ए रवि। हेलो। हाँ यार बैठ। वैशु जरा चाय नाश्ते का इंतजाम करना। अच्छा बता क्या बात है, इतनी जल्दी जल्दी मुझे क्यों बुलाया यहाँ? रवि, मेरे ससुराल में एक प्रॉब्लम हो गई। मेरी बड़ी साली अर्चना
उसकी शादी के दिन मानव नाम के एक लड़के के साथ भाग गए, और वो मानव नाम का लड़का किसी भी हालत में अर्चना को उस मानव नाम के लफंगे से बचाना है, और ये सिर्फ तब तक मुमकिन है जब तक वो दोनों लीगली एक दूसरे के पति पत्नी नहीं हो जाते। रवि, तुझे उन दोनों को पकड़ना है और मानव पर चार्ज लगाकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। नहीं, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि एक प्रॉब्लम है धर्मेश। अर्चना खुद एक बालिक है, वो मानव के साथ खड़ी हो गई ना तो कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए अर्चना को मैं संभाल लूंगा। तो बस किसी भी तरह अर्चना को मानव से अलग कर दे। जब तक मानव अर्चना के साथ है, अर्चना कभी उसके चंगुल से बाहर नहीं आ पाएगी। एक बार वो मानव से दूर हो जाएगी तो अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसी बात है तो ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मानव को उसके किए की पूरी सजा मिले। अब वर वधू दोनों खड़े हो जाइए फेरों के लिए। अरे रुको पंडित जी। अरे क्या हुआ? अरे रुको पंडित जी, देखो आपको बहुत जल्दी रहती है हर काम निपटाने की। देखो शादी जिंदगी में पहली बार होती है तो कम से कम उसे यादगार होना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस फोटोग्राफर को उठाकर लाया हूँ। देखो बहुत हो गया, मुझे तुम बीच में मेरे काम से उठा कर ले आए हो। अबे चुप, शुक्र कर मैंने तुझे उठाया है, ज्यादा बकबक करेगा तो दुनिया से उठा दूंगा। चल फोटो खींच।
अरे देख मानव देख, अरे तेरे सगे वाले भी आ गए शादी में शामिल होने के लिए। अरे ये तो वही बंदा है ना जो जेल में मिला था। ले तू भी मुंह मीठा कर ले। हाँ हाँ ले 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 ले। लेकिन एक बात तो बता, तुम्हारे साथ ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? धर्मेश, मैं पहले से कहता था कि ये दोनों बालिक हैं और अब दोनों ने शादी कर ली है रीति रिवाज के मुताबिक। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता मतलब आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ? कहीं आप हम दोनों को अलग करने के लिए तो? अर्चना तुम मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं अब भी यही मानता हूं कि मानव तुम्हें धोखा दे रहा है, अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। एक बार ये उस मर्डर केस से सही सलामत बच गया तो तुम्हें ये अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकेगा। अर्चना मैं तुम्हारा बहनोई होने के नाते इसके गलत इरादों से तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। देखिए धर्मेश जी। अर्चना एक मिनट रुको। धर्मेश जी मेरे बारे में क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो खुशी है कि हम दोनों को अलग करने के बहाने हैं इसे, लेकिन तुम्हारे घर का एक सदस्य तुम्हारी शादी में तो आए। धर्मेश जी मेरे क्या करने पर और क्या कहने पर आपको मुझ पर यकीन हो यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं मैं अर्चना के साथ वैसा नहीं करने का। आप गलत सोच रहे हैं, आप एक बात समझ नहीं रहे हैं धर्मेश, मैं और अर्चना एक है। और अगर अर्चना को मैं कोई चोट पहुंचाऊंगा तो सबसे पहला दर्द मुझे होगा, और आप इंसान की फितरत को तो जानते हैं, सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं। अरे काली राम का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गया पोल, अरे बोल हरि हरि बोल हरि बोल, अरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चल हो गया, जो हुआ जाने दे, आज अब तेरे लिए एक और सरप्राइज है, चल। अरे चल ना यार। गौरी मांडवा खाली, गोरी गोरी गौरी मांडवा खाली, गल गले गोजीरा गौरी गताजीरी, अंडा गंजो करी साला विलंगीरी, नादावली तो कवाली, गोरी गौरी गोरी गौरी मांडवा खाली। नहीं धर्मेश, अगर तुम गलत हो तो गलत हो, अगर वो दोनों अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना चाहते हैं तो हम कौन होते हैं उनके रास्ते में? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। भाई आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने जो कुछ भी किया अर्चना की भलाई के लिए किया। आज सुबह तक अर्चना और मानव की लीगली शादी नहीं हुई। अर्चना को मानव के चंगुल से बचाने के लिए समय था हमारे पास, और इसीलिए मैंने भाई के अपनों की हिफाजत के बारे में सोचना गलत है। अपनों की हिफाजत के बारे में तब सोचा जाता है जब अपनों को उसकी कद्र हो। अर्चना कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। अब अगर वो फैसले गलत साबित होते हैं तो उनका अंजाम भुगतने की ताकत उसमें होनी चाहिए। हम आज तक उसके लिए जितना कुछ कर सकते थे कर चुके हैं, फिर भी क्या हुआ? वो हम सब से रिश्ता तोड़कर हमसे दूर चली गई। अब अगर उसके साथ अच्छा होता है तो उसका नसीब, अगर उसके साथ बुरा होता है तो उसका नसीब। रमेश तुमने जो कुछ भी किया अर्चना के भले के लिए किया, लेकिन अर्चना इस बात को नहीं समझती है। उसे लगता है कि हम सब उसके दुश्मन हैं। इसलिए जो कुछ भी कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। अर्चना को उसके हाल पर छोड़ दो,
अर्चना ने जो भी गलती की है उसकी सजा उसे ही भुगतनी चाहिए। समझदारी तो इसमें है कि अर्चना अपनी गलती खुद समझे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर वो ये कहती है कि वो मानव के साथ खुश है तो ठीक है ना, उसे खुश रहने दे, हमें उसकी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब तक मैं ये समझता था कि इस घर का दामाद होने के नाते कि अर्चना के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी, और इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन आज के बाद मैं अर्चना की जिंदगी में किसी किस्म की कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने जो कुछ भी आज किया वो गलत था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलता हूँ। धर्मेश बेटा, तुम बुरा मान गए। बेटा हम सब समझते हैं कि तुम्हारा इरादा कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अर्चना अगर अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो ठीक है, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। सतीश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। सतीश, अब मैं समझ गई हूँ कि माँ बनने की जिम्मेदारी क्या होती है, और वो जिम्मेदारी उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। वर्षा। हाँ सतीश, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया, माँ बनना औरत की कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। माँ बनने का एहसास उसकी इज्जत को, उसके रुतबे को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। माँ बनना सब कुछ पाने का नाम है, ना कि कुछ खोने का। इसलिए मुझे अच्छा लगा ये सब जान करके, लेकिन मेरी भी एक जिद है, तुम माँ बनोगी, लेकिन अपना करियर दांव पर लगा कर नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी अपनी पहचान खोए किसी भी वजह से। सतीश, मैं बहुत लकी हूँ, मुझे तुम जैसा पति मिला। सतीश, तुमने हमेशा मेरे करियर को, मेरे एम्बिशंस को हमेशा अहमियत दी है, मुझे समझा है, खुद की खुशियों को दूर रखकर मेरी खुशियों को इम्पोर्टेंस दी है। और मैं ही हूं जो हमेशा जानती ना वर्षा की, मुझे पिछली बातें दोहराना पसंद नहीं है। हम आज अपनी जिंदगी जिएंगे और अपने कल को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। मेरी समझ में नहीं आता धर्मेश जी का क्या प्रॉब्लम है, जब देखो तब हमारी जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने ना आपके बारे में एक राय बना ली, और जब देखो तब आपसे वो चिढ़ते। मानव, ये बात इस तरह हंसकर टाल देने वाली नहीं है। मुझे धर्मेश जी पे वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है। हम अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हैं ना, हम अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, तो फिर क्यों कोई हर बार हमारी जिंदगी में घुसाता है? मुझे तो ये सोचकर भी डर लग रहा है कि अगर हमारी शादी नहीं हुई होती तो पता नहीं धर्मेश जी क्या कर सकते थे। आप मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? मैं जानती हूं कि आपको भी बहुत बुरा लगा, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि धर्मेश जी मेरे रिश्तेदार हैं। मानव कुछ बोलिए, ऐसे मत देखिए ना मुझे। देखने दो, तुम गुस्सा करती हो ना तो बहुत प्यारी लगती हो। मैं आपसे क्या कह रही हूँ और आप क्या बात कर रहे हैं मानव? अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ, तुम बहुत प्यारी लगती हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ गुस्से में अच्छी लगती हूँ,
बाकी वक्त तो मैं ऐसे ही। अरे नहीं अर्षा, मेरा मतलब है जब ऐसे भी तुम। नहीं मानव, अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे साफ साफ बता दीजिए। अरे मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम जब भी ऐसा। मानव एक बात कहूँ, आप भी जब शर्माते हैं ना तो बहुत क्यूट लगते हैं। अर्चना, कोई बारे बारे में कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या? मैं आपको सिर्फ गुस्से में अच्छी लगती हूँ माना। सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे।